हमीरपुर जिला का राष्ट्र स्तरीय होली मेले को लेकर उपायुक्त हरकेश मीणा ने प्रेस वार्ता की। जिला का राष्ट्र स्तरीय होली मेला 7 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से जुट चुका है। राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर 7 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। होली मेले में 4 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें पहली सांस्कृतिक संध्या में स्टार कलाकार संचिता भट्टाचार्य और अमृत मान अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरेंगे, जबकि दूसरी संध्या में करुणा ओजला और तीसरी संध्या पहाड़ी कलाकारों के नाम रहेगी, जबकि अंतिम संध्या में बॉलीवुड गायक ममता शर्मा अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी। मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा 7 मार्च को किया जाएगा और साथ में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहेंगे। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि सुजानपुर होली मेले का समापन 10 मार्च को शाम 3 बजे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह के द्वारा किया जाएगा और मेले के दौरान डॉग शो, बेबी शो के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मेलों में कोरोना वायरस के अलर्ट के चलते पूरा एहतियात रखा जाएगा और बाहर से आए हुए दुकानदारों के अलावा बाहरी लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। होली मेला सुजानपुर 2020 जो कि हम लोग 7 मार्च से 10 मार्च तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जो उद्घाटन है 7 मार्च को शाम को 3 बजे माननीय वित्त कॉरपोरेट एवं मामले मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी करेंगे। इसमें विशिष्ट अतिथि श्री वीरेंद्र कंवर जी, माननीय ग्रामीण विकास पंचायत राज पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार रहेंगे। इसमें हम लोगों ने 4 सांस्कृतिक संध्याओं का प्रोग्राम रखा है। इसका समापन 10 मार्च को शाम को 3 बजे श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, माननीय कैबिनेट मंत्री वन परिवहन युवा सेवा एवं खेल मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार करेंगे। 4 सांस्कृतिक संध्याओं में हम लोगों ने 1 पहाड़ी नाइट, 2 पंजाबी नाइट और 1 बॉलीवुड नाइट का प्रोग्राम रखा है। पहली सांस्कृतिक संध्या में हमारे स्टार कलाकार संचिता भट्टाचार्य जो कि बॉलीवुड से और अमृत मान पंजाबी गायक रहेंगे। दूसरी सांस्कृतिक संध्या 8 मार्च को रहेगी, जिसमें मुख्य आकर्षण करण ओजला मशहूर पंजाबी गायक रहेंगे। तीसरी सांस्कृतिक संध्या पहाड़ी नाइट रहेगी, जिसमें हमारे पहाड़ी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। चौथी सांस्कृतिक संध्या में मशहूर बॉलीवुड गायक ममता शर्मा इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। कल्चर प्रोग्राम के साथ साथ खेलों का आयोजन भी हमने रखा है और जो चाइल्ड और उस कमेटी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से भी अपने प्रोग्राम है, डॉग शो का भी प्रोग्राम है। मेले में बाहरी राज्यों से भी दुकानदार अपने सामान और जो शॉप्स वगैरह है सभी तरह की चीज़ों का अरेंजमेंट है। लैंड ऑर्डर को लेकर भी हमने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट रखे हैं, जहाँ पिछली बार की कंपैरिजन में रिव्यू किया है। काफ़ी जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, जो लाइट का अरेंजमेंट डिफरेंट जगह पर चौगान के अलावा जो मेले वाले एरिया से बाहर है वहाँ भी हमने ध्यान दिए हैं। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी रिव्यू किया है। इस बार स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और चीफ सेक्रेटरी सर ने ACS हेल्थ के साथ और सभी डीसीज को भी डायरेक्शन आई थी कि कोरोना वायरस की सिचुएशन को भी थोड़ा ध्यान रखें और IEC जो हम कर सकते हैं वो करें। तो मेले में हमने इसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग की है CMO और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कि बाहर से लोग कहाँ से आ रहे हैं उनका भी ट्रैक रखें। हेल्थ केयर एक्सपर्ट में कुछ इस तरह से अगर नज़र में आते हैं तो हम लोग सारा प्रिवेंशन इसमें कर रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।